जब खाता बुक से पूरा बिजनेस करते हैं तो इस पर ऑनलाइन पेमेंट्स कलेक्ट क्यों नहीं करते? क्या ये सेफ है? जी हाँ, ये 100% प्राइवेट और सेफ है, साथ ही अन्य बेनिफिट्स भी। आज ही अपने बैंक अकाउंट खाता बुक पर लिंक कीजिए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की कार्यवाही तो शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं शिला पूजन के लिए, साथ ही अयोध्या में सिख और जैन तीर्थ स्थलों को भी संवारा जाएगा। जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई को मंदिर निर्माण से जुड़ी बैठक के बाद ट्रस्ट के कुछ सदस्य ऋषभ देव जैन मंदिर गए थे, अयोध्या में ही है। इनमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, आरएसएस के सर कार्यवाह और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डीएम अयोध्या के अनुज कुमार झा शामिल थे। इसके बाद से राम मंदिर के साथ ही अयोध्या के बाकी तीर्थ स्थलों के विकास की भी बातें चलने लगी है। मान्यता है कि गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह अयोध्या आए थे। 10वें गुरु गोविंद सिंह तो ब्रह्मकुट गुरुद्वारे में रहे भी हैं। इस तरह ऋषभ देव जैन मंदिर जैन धर्मावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र भी है। बताया जाता है कि ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, वे अयोध्या के राजा भी बने थे। इनके अलावा भी 3-4 तीर्थंकरों का अयोध्या में ही जन्म हुआ है। ऐसे में अयोध्या में जैन और सिखों के धार्मिक केंद्रों को विकसित करने की बातें चल रही हैं, लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार वलय सिंह का कहना है कि अयोध्या कई धर्मों से जुड़ा रहा है। हिंदू धर्म के अलावा जैन, सिख और बौद्ध धर्म का भी अयोध्या से पुराना आता है। बाद के सालों में इस्लाम ने भी यहाँ जगह बनाई। सिंह कहते हैं कि जैन धर्म की यहाँ पर जड़ें काफ़ी गहरी हैं। भारत में मुगल आक्रांताओं के शुरुआती दिनों में ऋषभ देव जैन मंदिर को तोड़ने की कोशिश की बात कही जाती है। उनके अनुसार बताया जाता है कि मोहम्मद गोरी के छोटे भाई मखदूम शाह जुरान गोरी ने आदिनाथ जैन मंदिर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन गढ़वाल वंश के सेनापति भरतू ने कड़ा मुकाबला करते हुए शाह जुरान की सेना को हरा दिया था। अभी शाह जुरान की कब्र आदिनाथ जैन मंदिर के पास बताई जाती है। बता दें कि अयोध्या और इसके आसपास के इलाके में जैन धर्म से जुड़े कई मंदिर हैं। अयोध्या के पास रौनाही में कई सारे जैन मंदिर भी हैं। रौनाही में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। साथ ही बनारस, बाराबंकी, श्रावस्ती जैसे जगहें भी जैन तीर्थंकरों से जुड़ी रही हैं, क्योंकि सरकार ने इसे देखते हुए सर्किट भी तैयार करने की बात की है। वलय सिंह ने आगे बताया कि राम जन्मभूमि के मामले में निहंग सिखों की भूमिका भी बड़ी रही है। बाबरी राम जन्मभूमि केस में उन सिखों का लगातार जिक्र आया है। साथ ही अयोध्या में राम जन्मभूमि, ब्रह्मकुट गुरुद्वारा और ऋषभ देव जैन मंदिर 1 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। ऐसे में सरकार राम मंदिर निर्माण के साथ ही गुरुद्वारे और जैन मंदिर को भी प्रमोट कर सकती है, ऐसी बातें चल रही हैं। सरकार अयोध्या के जरिए सिखों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि सिंह का सवाल दूसरा है। वे कहते हैं कि अयोध्या में बौद्ध धर्म को लेकर सरकार का रवैया कैसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। कहा जाता है कि बुद्ध कई सालों तक अयोध्या में रहे थे, साथ ही राम जन्मभूमि की जगह पर बौद्ध धर्म की ओर से पहले भी दावे आते रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की स्थापना करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी पहली रिपोर्ट में इस जगह को बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में बताया था। इसके आधार पर यह जमीन बौद्धों को देने की मांग की गई थी। कहा गया था कि सारनाथ की तरह ही, बनारस के सारनाथ की तरह ही डेवलप किया जाएगा। इस तरह के दावे कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार अयोध्या को हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाना चाहती है। वेटिकन सिटी, मक्का की तर्ज पर अयोध्या को पूरा रिवैम्प करने की योजना है, पूरे अयोध्या शहर को। इस बारे में रणवीर सिंह ने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है, केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार अयोध्या को लेकर कई योजनाएं बना रही है, लेकिन सबके केंद्र में राम मंदिर ही है। कहते हैं संघ और उससे जुड़े संगठनों के लोगों में अक्सर चर्चा रहती है कि अयोध्या की पहचान तो भगवान राम ही हैं, यहाँ सब कुछ राम का ही होना चाहिए। ऐसे में जैन मंदिर या गुरुद्वारे को ज़्यादा प्रमुखता मिलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि तीर्थ मंदिर बनाने के प्लान में दूसरे धर्मों को भी जगह मिलेगी, लेकिन कितनी अभी ये कोई नहीं कह सकता। हाँ, अभी कोई कैसे कह लेगा, जबकि अभी भी प्लानिंग के फेज़ में सब कुछ है। कुछ भी नए अपडेट्स, कोई भी नई जानकारी आती है तो हम लल्लन टॉप से आपके लेकर ज़रूर आएंगे। इसलिए लल्लन टॉप पर नज़र बनाए रखिए, हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर फॉलो करते रहिए। हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो चीज़ें थोड़ा और जल्दी आपके पास पहुँचेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ सिद्धार्थ, एक खबर लेकर आए थे हमारे साथी शक्ति। शुक्रिया।